नमस्कार दोस्तों, आज आए हम महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में सिद्धार्थ गार्डन को देखने। अभी हम है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्टैचू के पास जो क्रांति चौक में है। आज देखने वाले हैं हम मराठवाड़ा का एकमेव सिद्धार्थ गार्डन और प्राणी संग्रहालय। तो चलिए देखते हैं सिद्धार्थ गार्डन और प्राणी संग्रहालय। दोस्तों, आपके सामने जो दिख रहा है ये है सिद्धार्थ गार्डन का मेन गेट। अंदर जाते ही राइट साइड एंट्री टिकट है। एंट्री फीस अडल्ट के लिए 20 रुपये और बच्चों के लिए 10 रुपये है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं सिद्धार्थ गार्डन। दोस्तों, अंदर आते ही आपको देखने को मिलेगा सुंदर सा झरना, धबधबे जैसा बनाया है इसको, बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने के बाद लेफ्ट साइड को मत्स्य विभाग है। वहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ है, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में उस मछलियों का वीडियो दिखाऊंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब हम एनिमल देखने वाले हैं, लेकिन एनिमल देखने के लिए भी इन्होंने टिकट रखा है। इसके लिए अडल्ट के लिए 50 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये टिकट इन्होंने रखा है। तो चलिए पहले टिकट निकालते हैं और फिर अंदर जाकर आपको एनिमल दिखाता हूँ। जिनको भी टाइगर स्नैक से डर लगता है वो इस वीडियो को ना देखे। कमज़ोर दिल वाले भी इस वीडियो को ना देखे। ये है ईमू बर्ड, ईमू पक्षी। इसकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट तक रहती है। तो देखो, ये आपके सामने ईमू बर्ड है। लगभग 40 किलो इसका वजन रहता है। तो अब हम देखने वाले हैं बिबट। इंग्लिश में इसे लियोपर्ड भी कहते हैं। इसकी लंबाई 7 फीट तक रहती है। तो देखो बिबट कैसे सोया हुआ है। तो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो है वाइट टाइगर। तो देखो ये टाइगर किसे शान से चल रहा है। अगर ये खुले में होता, जंगल में होता तो कैसे भागता, लेकिन ये अपने पिंजरे में कैद है। देखो इसकी चाल। और थोड़ा आगे आने के बाद ये दो टाइगर दिखाई पड़े। देखो कैसे मज़े में बैठे हैं, जैसा लग रहा है दोनों गपशप लड़ा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे येलो टाइगर, इसका नाम है देविका। तो देखो ये अपने कैसे मस्ती में चल रहा है। टाइगर का अपना ही रुबाब होता है। फोटो काटने से ले कहीं कर रही है। तो अब हम इस गुफा में जाकर अंदर देखेंगे अजगर और सांपों को। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है आपके सामने अजगर। इसकी लंबाई लगभग 9 से 12 फुट रहती है। ये अजगर बिन विषारी रहते हैं, इसके अंदर विष नहीं रहता। तो देख सकते हैं कैसे ये अपनी जुबान बाहर निकाल के हिला रहा है। ये रहा दूसरा अजगर। लगभग सभी अजगरों की लंबाई 9 से 12 फीट तक रहती है। और अजगर 20 साल तक जीवित रहते हैं। अजगर एक समय में 12 से 15 अंडे देता है। देखो ये कैसे बाहर आने के लिए बेताल हो रहा है। ये देखो कासव कैसे सुस्त पड़े हैं। अब हम देखेंगे मगर को, क्रोकोडाइल। वो देखो पहले और पिंजरे के पहले और दो मगर को क्रोकोडाइल है और इधर एक है, कैसे सुस्त पड़ी है। एनिमल देखकर बाहर आने के बाद ये अपने को जिराफ का स्टैचू दिखता है। गार्डन के बीचों बीच तथागत गौतम बुद्ध की
बहुत बड़ी मूर्ति है। आगे का नज़ारा बहुत शानदार है। गार्डन में बच्चों के लिए स्टैचू रखे हैं जो कि कार्टून के हैं। उसमें कृष्ण की मूर्ति, छोटा भीम और बहुत बहुत कुछ है। वीडियो के अंत में देखेंगे जिसे हम गॉड कहते हैं, वो अपने डॉक्टर और पुलिस के स्टैचू बनाए हुए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।